सिद्धार्थ नगर के पथरा थाना क्षेत्र के गांव में मौके पर एक की मौत हो गई और दो बुरी तरह से घायल हो गए। बता दे कि बाबूराम जिनकी उम्र 65 वर्ष थी उनके पास के घर में लाइन नहीं लगी और उनकी करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने बताया कि वो घर से निकले सामने पोल के सपोर्ट को पकड़ लिया और तभी देख मेरी लड़की भी दौड़ गई अपने पिता को बचाने के लिए। उन्हें पकड़ लिया और वो भी करंट से घायल हो गई। मैंने भी उसे पकड़ लिया और मुझे भी झटका मिल गया और मेरी उंगली जल गई। तब तक वहाँ मृतक हो चुके थे। ग्रामीणों ने इसे बिजली विभाग का गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया है। जगह जगह गांव में तार लटके हुए हैं और गांव की लाइन मेन में कई घरों के केबल भी काट दिए गए हैं और गांव वाले से काफी नाराज चल रहे हैं। ये बताइए, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई है, कैसे हुई दुर्घटना? ये केबल शॉर्ट था, कटा था, छिला था। वो खतरे का पहले पता था तो आप इस तार को सही क्यों नहीं किए? लेकिन हमें थोड़ी मालूम है कि तार कटा है कि नहीं कटा हुआ है। जब कोनो वही सूचना हुई तब तो हम बताए, गांव जल जाए सूचना हुई तब तो हम जान पाए कि मतलब मरने के बाद आप सही करेंगे। जब को सूचना दी है कि गम गड़बड़ी बात तब तो हम बनाए कि वैसे बना जाए। ये बताए जो हादसा आपके गांव में हुआ है कि कैसे हुआ है? ये घर से बाहर निकले, इनके दरवाजे पोल लगा हुआ है जो साइड में तार सपोर्ट के लिए लगा हुआ, उसमें बिजली उतर गई थी। जितने भी केबल वो स्लिप खाकर गिरे तार पे और तार में चिपक गए। आप इसकी किसकी लापरवाही मान रहे हैं? बिजली विभाग की लापरवाही देंगे। मेन रोड पे तार लगे हुए हैं सब, एकदम से 7 फीट 6 फीट के ऊपर लगे हुए, सर पे लटक रहे हैं सारे तार। शादी विवाह में जितने भी डीजे या चारपाई और सामान गांव वाले लाते हैं सब उसमें सट करके आते हैं। फोन करके बिजली विभाग को बताया जाता है कि बिजली काट दो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए बिजली कटता है, अपना काम करने के बाद फिर पुनः बिजली वापस आती है। तार खींचने के लिए कई बार कहा गया? और बार बार उनसे कहा गया तो वो कह रहे हैं कि ये गांव प्रधान की जिम्मेदारी बनती है, इसमें बिजली विभाग क्या करे, पैसा बार बार मांगते हैं। हाँ जी, ऐसे जाते रहना बारह में बस जूर तक पकड़ ले ली थी, तब गली चौड़ावे बस हम लोग तो पकड़ लिया रहा। पकड़ी हम पकड़े रहा, नूक पकड़े रहा, हमारे हाथों पकड़े रहा, हम लड़के गिरनी नहीं है पहली बिटी आवाज। हाँ, मिठन बाजार से पश्चिम 2 किलोमीटर। तो मतलब पानी पानी वानी बरसल रहा की वैसे नहाए वहाए रहना कैसे काम भेल? नहाए वहाए कुछ नहीं रहना, बरसत नहीं रहा, जात रहना बाहर में कहा जाते मैदान। तो मतलब पलवा में लाइन उतर गई? हाँ, भूया उतर लाल। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए सिद्धार्थ नगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट।